नमस्कार, हम वाणी जीत कुमार। आज हम बात कर रहे बनी दिनेश लाल निरहुआ। हाँ, दिनेश लाल निरहुआ के बारे में भैया बात कर रहे बनी। देखिए, माननीय सांसद जी हो, माननीय सुपरस्टार हो, और लेकिन लेकिन कारनामा तो ऐसा भैया कि इनका कारनामा देख के कारनामा भी एक बार शर्मा जी कि आखिर ये हो का रहा बा। चलिए पूरा डिटेल से बताई कि काम मैटर बाटे, और दिनेश लाल निरहुआ एक बार फिर से फंस चुकल बा, और फंसल नहीं खन एक्चुअली सच्चाई भर बा भाई, सच्चाई निकल बा। सच बताओ तुम्हें स्वामी भद्राचार्य जी, सच्चाई निकल रहा बड़ा। तो चलिए ये सब कुछ बताओ जी, और ये वीडियो जाना जी। चलिए सब कुछ जान करते हो, काम कर चैनल बना वाणी, सब्सक्राइब लाइक कमेंट सब कुछ कर दी। चलिए अपनी के माननीय सांसद जी, स्टार जी, मेगा स्टार जी, जुगली स्टार जी, फलाना स्टार जी, डिंचा स्टार जी के सच्चाई के बारे में बात कर लिया जाए। आ जाए। तो सर बता दी कि दिनेश लाल निरहुआ फिर हाल में आजमगढ़ से सांसद पद के प्रत्याशी बन और मौजूदा सांसद भी बन। लेकिन भाई के अभी हाल ही में वो बयान मतलब इनका वायरल है जो ना में मोदी जी और योगी जी के लड़का नहीं खन सन ए लिए रोजगार वहाँ लोग देखो मतलब कहाँ से देश जा देखो और मतलब लड़का नहीं करन जा तो रोजगार वहाँ लोग खातिर तिथु बटे तो हम लोग भी बंद करा जाए, मतलब ये तरह के उपदेश देते। अब एगो और कमाल के उनकर वीडियो वायरल हुई बार वहाँ लोग नहीं के देखनी, तो भैया जाके वायरल वीडियो देख ली, उसमें साफ साफ नजर आ रहा बा। हाँ, मतलब ये स्वामी भद्राचार्य जो हम रोहन के बारे में जानते हैं, मानी अक्सर ये मतलब SC और OBC के बारे में अक्सर घृणा टाइप के बयान देते रहन। हाँ, आँख से इनका लोकल ना राम जी के बहुत बड़का अपना आपके भक्त बतावलन, और बहुत बड़ा इनका रहकर लोग साधु भी कहलन जो चलो ठीक बाटे, ऊपर हमारा नहीं के जाएंगे। लेकिन बात दिनेश लाल निरहुआ जी के बारे में बाटे। हाँ, दिनेश लाल निरहुआ जी पहुँच रहे इनका से मिले खातिर पहुँचो ना, हो जाए अमर पाली दुबे और एकदम से बाबा से आशीर्वाद लेते रहन जा। तभी बाबा कहुन कि हे बेटा, ये तुम्हारी बहन है क्या? हो बस दिनेश लाल के अंदर से आवाज निकले लग गई। फिर कोतरो हे बोल ना, ये तो बहन है का कोतरो। अब फिर दिनेश लाल हुआ कुछ का को, और वो अंदर से कोतरो कि अभी बहन का रोल बड़ी, ये तो हमारे अर्धांगनी हो गई बड़ी। अब देखो मतलब हद हो गए। फिर स्वामी भद्राचार्य जी महाराज कोतरो करे तब तो ये हमारे पतो ही हो गए, मतलब हिपोक्रेसी के सीमा सारा पार कर दी हों। स्वामी भद्राचार्य जी की जगवा तमाचा खींच के मारे के चाहिए और कहे के चाहिए कि सुन तू तीन लय के बाप होवे मेहरारू के साथ आज तक ना दिखे ले, और एकरा साथ कौतरी हमारा अर्धागिनी, मतलब भाई के लड़का 20-20 साल के बड़ा से यार, लेकिन आज तक कहीं तू देख ले ना हो खबर। लेकिन अब यहाँ लो संस्कार संस्कृति और मतलब डेमोक्रेटी के बारे में जब यहाँ लोग उपदेश दिलन जा तो यहाँ लोग के लागे ला ना कि यार तुम लोग उसामा बिन लादेन से कम नहीं खा जा, और बात हिंसा पर करते रह जा, अहिंसा पर करते रह जा, मतलब बात हिंसा के और काम अहिंसा के, यार ये अच्छी बात नहीं है। तो सच में दिनेश लाल निरहुआ अम्रपाली दुबे के मान चुकल बड़ा कि यार मैं यारू हुई एक्चुअली मैं यारू चलो, तो सब कुछ लोग बाटे जब भी यहाँ से पूछा जलाते हैं लोग कह लेंगे कैसा कौन बात नहीं लेकिन ऐसा ये बात बैठे कि उन लोग मर्द बेहारू हवन जा, और अब ये उपदेश देवे लायक नहीं खन, और अब ऐसा लोग हमने के केंद्र में बढ़न जा, ऐसा लोग राजनीति में बढ़न जा, ऐसा लोग ही देश चलाओ तुरंत जाए। तब रहुआ लोग समझ जी, हम का बताएं, हमके सोच के भी अपना आप के ऊपर शर्म और दया आ रहा बा। तो चल और हम कुलता कहीं बस इतना ही, देखते रहे निस्तक भोजपुरी, आगे जौन भी निकल के आई निस्तक भोजपुरी पर जीत कुमार पे बाका अंदाज में जरूर बता जी। हाँ, तो बाकी वीडियो में इतना ही, हम जीत।